नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। आप इसको अगर एक बार देख लेंगे तो आप चुटकियों में इसको बना के रेडी कर सकते हैं, ठंडा ठंडा कोल्ड कॉफ़ी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मिक्सर का जार ले लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। अब इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 चम्मच चीनी। आप जितना मीठा पसंद करते हो डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्सर के जार में ग्राइंड करके ले लेने का है। यहाँ मैंने ग्राइंड करके ले लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध। 2 ग्लास में इसमें दूध डाल दूँगी। कच्चा दूध भी चलेगा और दूध ठंडा रहेगा तो भी चलेगा। दूध अगर आपका उबाला हुआ रहे तो आप इसका मलाई निकाल करके ठंडा कर सकते हैं। इसको एक बार मैं अच्छे से ग्राइंड कर देती हूँ मिक्सर के जार में ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ मैंने कांच का ग्लास ले लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी चॉकलेट सिरप। डालने के बाद इसके साइड साइड में थोड़ा मैं इस तरह से फैला दूँगी। अब मैं इसमें जो मैंने कॉफ़ी को बना के रखा था ग्लास में सारा डाल दूँगी इस तरह से। यह मैंने डाल के सारा कॉफ़ी इसमें ले लिया है। अब इसके ऊपर से जो मैंने चॉकलेट सिरप रखा था इसके ऊपर से इस तरह से डिज़ाइन जैसा बना दूँगी। आप चाहें तो इसको टूथपिक से या कांटे वाले चम्मच से भी इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ इस तरह से इसमें डिज़ाइन थोड़ा बना देती हूँ, इसे क्या देखने में अच्छा लगता है। इस तरह से घुमाते हुए आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको आता हो आप बना सकते हैं। इसके ऊपर फेस रहता है तो फेस के ऊपर अच्छे से डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरी कॉफ़ी बन के तैयार हो गई है कोल्ड कॉफ़ी। आप इसको फ्रिज में भी रख के पी सकते हैं और नॉर्मल भी पी सकते हैं। आप इसे कच्चे दूध से भी बना सकते हैं और उबले हुए दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन उसका मलाई आप निकाल करके ही बनाएं और दूध को ठंडा करके। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।